हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज एनालिसिस। तो दोस्तों, आज की डेट है 8 मार्च 2019 और यहां हम डिस्कस करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IAS, NDA, CDS, CUPF और SSC, दिस वीडियो इज गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से आर्टिकल्स है जो आज हमें यहाँ डिस्कस करने हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज है 8 मार्च और आज सेलिब्रेट हो करते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो ऑल द वुमेन्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, हैप्पी वुमेन्स डे। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे कोट भी है, यहाँ पे बता रही हैं कि आई अलोन कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड बट आई कैन कास्ट अ स्टोन अक्रॉस द वॉटर्स टू क्रिएट मेनी रिपल्स। मतलब एक इंसान भले ही यहाँ पे वर्ल्ड को चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन वो जरूर रिपल्स क्रिएट कर सकता है जो आगे जाके फैलते रहेंगे फ्यूचर में भी। अब चलते हैं यहाँ पे एडिटोरियल पेज पे। यहाँ पे जो पहला आर्टिकल है लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में जब 1267 रेजोल्यूशन पे यहाँ पे जब वोटिंग होगी तो पाकिस्तान का क्या स्टैंड रहने वाला है। क्योंकि भले ही वो यहाँ पे मीडिया में बता रहे हैं कि वो यहाँ पे टेररिज्म को यहाँ पे कर्व करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रेजोल्यूशन के टाइम पे उनके जो वोटिंग है तो उससे भी बहुत सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी। नीचे वाला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो हमारी कंट्री में जितने भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स है, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए राइस के लिए कोई अलग से इंस्टीट्यूट है, कॉटन के लिए इंस्टीट्यूट है, डेयरी के लिए अलग इंस्टीट्यूट है, तो उनको हम यहाँ पे ऑटोनॉमी देने की जरूरत है, उनको फंडिंग देने की जरूरत है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कैरी आउट कर सके। और कहीं ना कहीं अगर हम ऐसा रिसर्च एक्टिविटी कर पाते हैं तो हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे ही सही इंप्रूव होना शुरू करेंगी। तो उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। ऊपर वाला आर्टिकल पॉलिटिकल नेचर तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन नीचे वाला जो आर्टिकल है यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि 28 फरवरी जब हम यहाँ पे नेशनल साइंस डे मनाते हैं तो उसके संदर्भ में हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम साइंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जो है अवेयरनेस फैला सके। क्योंकि अगर हम बात करेंगे कि हर हमारे जितने भी सिटीजन है उनको इतनी उम्मीद होती है कि उनकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम है उन्हें एक्चुअली साइंस सॉल्व कर सकता है, लेकिन जब बात करते हैं साइंस अवेयरनेस की तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे न्यूज मीडिया आउटलेट्स हैं, न्यूज़पेपर्स जो है वो इतना कवरेज नहीं देते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। तो उसी के बारे में यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं। एक और चीज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि बताइए कि नेशनल साइंस डे 28 फेब को ही क्यों मनाया जाता है, और इस साल की जो यहाँ पे थीम है वो थी साइंस फॉर पीपल एंड पीपल फॉर द साइंस। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे जो पहला आर्टिकल है ये वुमेन एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में है, और उसका जो नेक्स्ट आर्टिकल राइट साइड पे देखेंगे तो ये है न्यू एस्पिरेशंस ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो यहाँ पे दोनों के आर्टिकल का एसेंस ये है कि हमारी कंट्री में जो रूरल वुमेन है उनको अभी भी हमें बहुत ज्यादा एम्पावर करने की जरूरत है ताकि वो अपने अलग अलग फील्ड में और एजुकेशन में जो है बहुत सारी चीजें हासिल कर सके। अब जैसे कि आप जानते हैं हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री को, तो आज की कंट्री का नाम है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो ये आपको नजर आएगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, और इसकी जो कैपिटल है वो है बेसिकली बेंगोई। उसके साथ साथ आप देखिए कि आसपास कौन सी कंट्रीज है जो बॉर्डर करती है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को। जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं चैड है, सुदान है, कॉन्गो DRC है, उसके बाद यहाँ पे कॉन्गो आपको नजर आ रहा है, कैमरून। उसके साथ अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है इसकी लोकेशन इक्वेटर के ठीक ऊपर है। यहाँ पे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये कि बताइए वो कौन सी स्कीम है जो यूनियन मिनिस्टर जो HRD के प्रकाश जावेदकर, तो उन्होंने फंड साइंस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम को रिलीज किया है। तो क्या है स्कीम का नाम? तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन है, SDPS, SRIS, SFRPS और स्टार्स। तो इस पर्टिकुलर स्कीम का नाम है स्टार्स, जिसका मतलब होता है स्कीम फॉर ट्रांसलेशन एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस। तो इसे कोऑर्डिनेट करने के लिए जो बॉडी है वो है ISC, जो कोऑर्डिनेट करेगा इन प्रोजेक्ट्स को और इंटरेस्ट जगाएगा बहुत सारे कैंडिडेट्स में ताकि वो जो है यहाँ पे एप्लीकेंट साइन भेज सके इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत। उसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट स्कीम है जो काफी एग्जाम में आ सकता है, जिसका नाम है श्रेय स्कीम, जिसका मतलब है स्कीम फॉर हायर एजुकेशन फॉर यूथ अप्रेंटिसशिप एंड स्किल। अब इसके संदर्भ में यहाँ पे जो यूथ है उनको अप्रेंटिसशिप दी जाएगी, उनके स्किल डेवलपमेंट में काफी ज्यादा काम किया जाएगा। अब चलते हैं पहले आर्टिकल पे जो है UN टेस्ट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी पूरी कोशिश ये है कि मसूद अजहर को यहाँ पे ग्लोबल टेररिस्ट का दर्जा देना है। अब उसके संदर्भ में जब यहाँ पे UNSC में यहाँ पे जब वोटिंग होगी तो पाकिस्तान का कैसा कंडक्ट रहने वाला है वो काफी ज्यादा जो है डिसाइडिंग फैक्टर होगा ये बताने की, जो इंटेंशन दिखा रहे हैं पब्लिक मीडिया में तो क्या वो सच में वैसे ही है या नहीं है। अब बात करते हैं ये जो प्रपोजल है जिसके अंतर्गत हम लिस्ट करते हैं टेररिस्ट को अंडर द रेजोल्यूशन ऑफ 1267, तो उसमें पूरी कोशिश ये होगी कि जितने भी परमानेंट मेंबर है 15, उसके बाद जो जितने भी नॉन
नॉन परमानेंट मेंबर है तो उनको यहाँ पे नेक्सस में लेकर आना है और ताकि वो वोट कर सके। और इसकी जो शुरुआत है फ्रांस ने की है क्योंकि फ्रांस जो हमें सपोर्ट कर रहा है ताकि हम जो है मसूद अजहर को यहाँ पे ग्लोबल टेररिस्ट का दर्जा दे सके। एक और चीज हम समझेंगे कि यहाँ पे हमने प्रीवियसली भी बहुत सारी कोशिश की है पिछले सालों में, लेकिन चाइना जो है वो उसे यूजुअली ब्लॉक कर देता था क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो यहाँ पे दोस्ती थी उसी वजह से जो है चाइना यूजुअली ब्लॉकेड लगा दिया करता था। लेकिन चाइना को ये इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है कि जिस सांप को पालने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान में वो एक ना एक दिन वो चाइना में भी एंटर करेगा, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं चाइना के जो ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पे आपको उइगर कम्युनिटी नजर आती है। उइगर कम्युनिटी बेसिकली माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी जो रहती है चाइना में और यहाँ पे उनके ऊपर बहुत ज्यादा सर्वेलेंस किया जाता है, अत्याचार किया जाता है और कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा भी माना जा रहा है कि यहाँ पे जो टेररिस्ट है वो यहाँ पे पनप रहे हैं धीरे धीरे। और जो टेररिस्ट कहाँ से आ रहे हैं, ये टेररिस्ट बेसिकली अफगानिस्तान से माइग्रेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि अगर ये जो टेररिज्म को इतना सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में तो वो धीरे धीरे यहाँ पे भी माइग्रेट कर सकते हैं। अगली बात हम समझेंगे कि हमने 2008 में जब यहाँ पे अटैक हुआ था मुंबई में तो उसके तुरंत बाद बहुत सारे डिप्लोमेटिक यहाँ पे प्रेशर बढ़ाए थे। उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पे प्रिवेंटिव कस्टडी में ले लिया था गया था बहुत सारे टेररिस्ट को जो यहाँ पे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे। सेम चीज हमने यहाँ पे पुलवामा अटैक के बाद भी देखे थे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आप जो डमी यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं उनको अगर यहाँ पे क्रैक डाउन कर रहे हैं तो इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि वो और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हैं जितने भी टेररिज्म के यहाँ पे फंडिंग मिलती है उनको। अगली चीज हम ये समझेंगे कि पाकिस्तान ने तो बैन किया हुआ था यहाँ पे जेएम को, इवन 2002 में यहाँ पे जब बैन किया था तो उसके बावजूद भी यहाँ पे फ्लरिश कर रही है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है ऐसा इंडिया सवाल पूछ रहा है। अगली बात जो सेम चीज अप्लाई करती है अलग अलग यहाँ पे टेररिज्म जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज जैसे कि LET हो सकता है, लश्कर तैयबा हो सकता है या फिर जमात दुआ हो सकता है, तो दोनों में ही यहाँ पे सेम चीज नजर आ रही है कि भले इन पे बैन लगा दिया गया पाकिस्तान के द्वारा ही फिर भी जो है ये फ्लरिश कैसे कर रही है उसी कंट्री में। एक और चीज हम समझेंगे कि भले उन्होंने क्रैकडाउन किया डमी प्रॉक्सीज को लेकिन हमें समझना यह है कि इवन जो यहाँ पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिन्हें यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे कॉन्क्रीट एविडेंस अभी भी ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पे जो है टेररिज्म के लिए यहाँ पे फंडिंग होती है, यहाँ पे जो है मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो इन्हें बेसिकली ब्लैकलिस्ट करने की भी बातचीत अभी भी हो रही है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फ्रांस का मॉडल यूज करें क्योंकि आप जानते हैं फ्रांस में पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे यहाँ पे जो टेररिज्म एक्टिविटीज हुई हैं तो उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने यहाँ पे 3-4 पिलर्स बेसिकली डिसाइड किए हैं। पहला है कि यहाँ पे जो जितने भी ऐसे एनवायरमेंट है जो कंड्यूसिव है टेररिज्म को यहाँ पे फ्लरिश करने के लिए उनको सबसे पहले क्रैक डाउन करना। उसके बाद यहाँ पे जो टेररिज्म को यहाँ पे विदिन आर जो लैंड है उसको यहाँ पे कॉम्बैट करने के लिए अलग अलग यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। अगली बात करें यहाँ पे स्टेट की कैपेसिटी को इंप्रूव करना और यूनाइटेड नेशंस की भी हेल्प लेना जब भी जरूरत पड़े। और तीसरा और इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो ह्यूमन राइट है और जो रूल ऑफ लॉ है जो हमारे पास रूल बनाए हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसको ठीक से फॉलो करना ताकि एट द एंड ऑफ द डे यहां पे जो है ह्यूमन राइट्स की कोई भी वायलेशन ना हो सके। अगली बात हम करेंगे पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है सिनोनिमस था ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में जितने भी हमारे पास हाई यील्डिंग सीड्स थे तो उनमें जितने भी हमने रिसर्च किए थे तो इसमें इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने काफी ज्यादा काम किया था। इसकी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल साइड किए गए जैसे कि कल्याण सोना, SD2967 की वीट, पूसा 1121 बासमती, इसी के जैसे बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज है जो इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने डेवलप किए थे जिससे जो है प्रोडक्टिविटी हमारी कंट्री की एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन उसके अलावा भी हमारी कंट्री में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि आईकार हो सकता है, नेशनल डायरी रिसर्च हो सकता है, सेंट्रल कॉटन रिसर्च हो सकता है, इस सारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें जो यहाँ पे डायरेक्टर है वो बेसिकली एक्टिंग डायरेक्टर बने हुए, मतलब इनके पास कोई परमानेंट डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव में जो यहाँ पे एपथी नजर आ रही है वो काफी अनफॉर्चुनेट है हमारी कंट्री के लिए क्योंकि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में हमारी कंट्री ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है उसके ऊपर अगर यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पे अगर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम नजर आएंगी तो ऑब्वियसली बात है कि फ्यूचर हमारा थोड़ा ब्लीक ही नजर आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे महाराष्ट्र में भी एग्जांपल साइड किया गया है कि उनके शुगर प्रोडक्शन को यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे अर्ली मैच्योरिंग CO0128 की वेराइटी को यहाँ पे डेवलप किया गया था। इससे क्या है यहाँ पे कम लैंड होने के बावजूद और वाटर रिसोर्स कम भी हुए तब भी जो है इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा इफेक्ट नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं आपको इतनी बात तो समझ आई गई होगी कि जितने भी ये इंस्टीट्यूट है ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जितना भी यहाँ पे हमारे लिमिटेड क्रॉप रिसोर्सेस हैं, यहाँ पे जो हमारे पास लेबर की कमी है उसके बावजूद अगर हम यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे डेवलपमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो है फायदा मिलेगा फ्यूचर में भी। और यहाँ पे एक सजेशन ये दिया जा रहा है कि आईकार जो जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, अगर हम इसे ऑटोनॉमी दे सकते हैं जो हमने इसरो को दी हुई है एटॉमिक जो रिसर्च को दी हुई है उसी तरीके से अगर हम इसे भी दे देते हैं ऑटोनॉमी तो कहीं ना कहीं हमारी जो साइंस एंड जो डेवलपमेंट हमारी तो उसमें हमें एक स्ट्रैटेजिक बूस्ट मिल सकता है।
अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आईकार के बारे में, जिसका मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये बेसिकली एक ऑटोनॉमस बॉडी है। अब ये जो है वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। अब यहाँ पे इनको हेड किया जाता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। उनकी वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, इनिशिएटिव मिलेंगे जो ये ऑन अ डेली बेसिस यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। अब बात करते हैं आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है एजुकेशन एंड करियर फॉर द वुमेन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे हमने बहुत सारी स्कीम्स इम्प्लीमेंट की हैं जो वुमेन्स के लिए यहाँ पे एम्पावरिंग है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि आधे से ज्यादा वुमेन को उस स्कीम्स के बारे में पता नहीं होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है, अगर उन्हें स्कीम्स के बारे में पता भी है तो उनको यहाँ पे जो है इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती है फैमिली और सोसाइटी के द्वारा। तो ये कुछ चीज़ें जो हम यहाँ पे इन आर्टिकल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जितनी भी फैमिलीज है उनको हमें यहाँ पे सपोर्ट करने की जरूरत है, उनसे बातचीत करने की जरूरत है, ताकि वो उन्हें भी हम ऑनबोर्ड ले सके इतनी सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हमने इंप्लीमेंट की हुई है। अगली बात, हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में एक यहाँ पे एनेक्डॉट दिया हुआ है एक पर्टिकुलर नर्स का। तो ये जो नर्स है ये बेसिकली रूरल बैकग्राउंड से आती हैं, इन्होंने यहाँ पे काफी ज्यादा जो है पढ़ाई की, फिर जाके जो है इनकी सैलरी समवेयर अराउंड 60,000 पर मंथ हो चुकी है। तो उनकी यहाँ पे जो एस्पिरेशन वो कैसे फुलफिल हुई है, ये अब यहाँ पे यूपीएससी का एग्जाम भी देना चाहती है, तो वो सारी जो स्टोरीज है वो यहाँ पे लिखी गई है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। उसी तरीके से ऑथर बता रही है कि हमें और ऐसी स्टोरीज की जरूरत है हमारी कंट्री में। अगली बात, हम बात करेंगे यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर में। तो यहाँ पे जो है सरकार जो है हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करती है, जिसके संदर्भ में यहाँ पे जितनी वुमेन्स हैं जिनके साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट हुए या फिर उनको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इस पर्टिकुलर ग्रीवियंस नंबर पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स बताती हैं। तो ऑथर जो है यहाँ पे इन्होंने भी हेल्पलाइन नंबर्स के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पर काम किया हुआ है, तो बताती हैं कि बहुत सारे जो वुमेन्स हैं वो रजिस्टर कर रही हैं, बहुत सारे अपनी जो ग्रीवियंस है उन्हें यहाँ पे एड्रेस करती हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर नंबर। अगली हम बात करेंगे पुलिस की। तो पुलिस काफी इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो पुलिस को यहाँ पे काफी ज्यादा जो है अलर्ट रहने की जरूरत है। लेकिन अभी भी यहाँ पे बहुत सारी जो स्टेट्स है वहाँ पे हम जेंडर सेंसिटाइजिंग की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब भी कोई पुलिस वाला यहाँ पे वुमेन्स रिलेटेड कोई भी इशू को हैंडल कर रहा है तो सर्टन अमाउंट ऑफ जो यहाँ पे सेंसिटिविटी है वो दिखाने की जरूरत है। उसके साथ अगर हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ गवर्नमेंट को सारा काम करना है तो हम बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ साथ यहाँ पे जो पुलिस है, बीट पुलिस होती है, एनजीओस होते हैं, जो नॉर्मल सिटीजंस है, उन सबको यहाँ पे सिनर्जी मेंटेन करते हुए काम करने की जरूरत है, ताकि वुमेन्स को हम यहाँ पे एम्पावर कर सके और उनकी सिक्योरिटी को यहाँ पे मेंटेन कर सके हमारी कंट्री में। और यहाँ पे जो फाइनल ये बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टेट्स ऐसे जहाँ पे जो वुमेन की एजुकेशन है, गर्ल्स एजुकेशन है, वो ऑलमोस्ट फ्री कर दी जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो फैमिली और जो सोसाइटल बैरियर्स है वही एक चीज है जो उन्हें यहाँ पे आगे बढ़ने से रोक रही है। अगला आर्टिकल जो है उसमें थोड़ा सा अलग यहाँ पे चीज डिस्कस की जा रही है। यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि हमारे पास जितनी भी पॉलिसीज है, स्कीम्स है, वो काफी ज्यादा आउटडेटेड है। मतलब हम अभी भी वो स्कीम्स यूज कर रहे हैं जो पिछले 10 साल पहले बनाई गई हैं, लेकिन हमारी जो वुमेन्स की एस्पिरेशन है वो काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है, उन्हें पैराडाइम शिफ्ट आ चुका है, तो उसको एड्रेस करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑथर। एक और चीज हमें ये समझनी है कि यहाँ पे सबसे पहले हम समझते थे कि वुमेन एम्पावरमेंट इज ऑल अबाउट जस्ट पावर शेयरिंग, लेकिन पावर शेयरिंग के साथ साथ उन्हें डिसीजन मेकिंग की जो कैपेबिलिटी है तो उसको भी यहाँ पे हमें देना चाहिए उनको। तो ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है ऑथर के द्वारा। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल साइड करना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में वुमेन ने काफी अच्छा काम किया। बात करते हैं स्पोर्ट्स में हमारे ओलंपिक्स में भी कितने सारे मेडल्स आए हैं वुमेन्स के द्वारा। अब यहाँ पे बात कर सकते हैं आईटी में कितने सारे वुमेन लीडर्स हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल एरिना में देख सकते हैं एंजेला मर्केल है। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में जो है वुमेन यहाँ पे अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेकुना हमारी कंट्री में तो ये है कि रूरल इंडिया में जो वुमेन है उनको अभी भी यहाँ पे जो है सोसाइटल प्रेशर और यहाँ पे चार दीवारी के बाहर जाने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रूट कॉज है या फिर कह सकते हैं वो प्रॉब्लम है जो वुमेन फेस करती है हमारी कंट्री में। तो पहला प्रॉब्लम ये है कि वल्गैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन, मतलब हम यहाँ पे वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करना अभी भी बंद नहीं करते हैं। यहाँ पे वो क्या पहनती हैं, कैसे उन्होंने हेयर स्टाइल किया हुआ है, तो उन सब चीजों के बारे में यहाँ पे ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है हमारी कंट्री में वुमेन्स के ऊपर। उससे प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे इमोशन और जो फिजिकल वायलेंस है वो धीरे धीरे हमारी सोसाइटी में बढ़ता जाता है जस्ट बिकॉज वी आर ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन। एक और प्रॉब्लम जो हमारी कंट्री में नजर आती है वो ये है कि इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी, कि यहाँ पे हमारी कंट्री में सिक्योरिटी नहीं है, हम जो है वुमेन्स की फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो चॉइस है उसे यहाँ पे कर्टेल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम सोचेंगे कि अगर हमारी कंट्री में सिक्योरिटी नहीं है तो ये एक्चुअली वुमेन्स की प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है स्टेट की, क्योंकि वो जो है यहाँ पे मिनिमम प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो ये कुछ चीजें जो डिस्कस की गई है इस आर्टिकल में। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वेयर डिड मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कल्चर एंड एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज
महेश शर्मा इनॉग्रेटेड द आजादी के दीवाने म्यूजियम। तो ये जो म्यूजियम है ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, तो इसे इनॉग्रेट किया गया न्यू दिल्ली में, और इसे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने का जो यहाँ पे दामोदार है वो बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दिया गया था। और ये फिफ्थ ऐसा म्यूजियम है जो फ्रीडम फाइटर को डेडिकेट करने के लिए बनाया गया है। और चार अदर जो है वो है सुभाष चंद्र बोस आईने म्यूजियम, यादे जिलान म्यूजियम जो कि 1857 में डेडिकेट किया गया था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को। अब बात करते हैं यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो ये जो है आपको ब्रिटिश एरा में डेट करता हुआ नजर आएगा क्योंकि इसे फाउंड किया गया था 1861 में और इसके जो फाउंडर हैं इनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंगम। तो ये जो क्वेश्चन है बार बार बहुत सारे एग्जाम में आ जाता है तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है, वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। अब बात करते हैं पेज वन की, तो पेज वन पे जो है बालाकोट का जो स्ट्राइक किया गया था पुलवामा अटैक के बाद हमने जो रिटेलिएट किया तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स ये है कि यहाँ पे हमने यहाँ पे जो वेपन्स यूज किए थे तो वो 70 से 80 केजी का यहाँ पे एक्सप्लोजिव यहाँ पे कैरी कर रहा था। तो यहाँ पे कोशिश ये थी कि जो यहाँ पे आसपास का कोलैटरल डैमेज कम हो और यहाँ पे जो पिन पॉइंट जहाँ पे सच में अटैक कर रहा है तो वहाँ पे जो है अच्छे से अटैक हो सके। उसके साथ साथ यहाँ पे जो यूएन में जो हफीज सईद है उसने यहाँ पे ये बोला था कि उसका जो नाम यहाँ पे हटा दिया जाए यहाँ पे टेररिस्ट लिस्ट से, लेकिन उस पर्टिकुलर जो यहाँ पे प्ली है उसे रिजेक्ट कर दिया गया यूएन के द्वारा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड क्यूआरटी इंसेप्शन टेक्निक। अब यहाँ पे जो क्विक रिस्पांस टीम है उसको यहाँ पे बनाने के लिए यहाँ पे राजनाथ सिंह ने यहाँ पे कौन सी सिटी को सिलेक्ट किया हुआ है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो सिलेक्ट की गई है वो जगह वो है दुबरी जो कि आपको आसाम में नजर आएगी। अब यहाँ पे जो बोल्ड क्यूट है इसके संदर्भ में यहाँ पे जो मिनिस्टर यहाँ पे होम मिनिस्टर के जो राजनाथ सिंह है तो इन्होंने कोशिश ये की गई है कि कभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ पे बीएसएफ के फोर्सेज यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर क्यूआरटी के अंतर्गत यहाँ पे क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में। अगली हम बात करेंगे यहाँ पे ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं जहाँ पे जो टीचर्स कोटा है तो यहाँ पे प्रपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे 200 पॉइंट का जो रूस्टर सिस्टम है उसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी अगर बात करेंगे तो एक्जिस्टिंग है 13 पॉइंट रूस्टर सिस्टम। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं डीयू की, तो यहाँ पे अगर जो है उनको यहाँ पे कुछ टीचर्स को यहाँ पे एम्प्लॉय करना है तो यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ 13 ही लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मतलब सीट्स अवेलेबल है, तो यहाँ पे पहला जो है अनरिजर्व्ड होगा मतलब जनरल कैटेगरी के लिए होगा, अगला भी अनरिजर्व्ड होगा, अगला अनरिजर्व्ड होगा, लेकिन जो चौथी सीट होगी वो बेसिकली ओबीसी के लिए होगी, उसके बाद यहाँ पे दो फिर से अनरिजर्व्ड होंगे फिर एससी की होंगी, लेकिन आप देखेंगे 13 पॉइंट के बाद जो है यहाँ पे फिर एसटी का नंबर आता है। तो ये जो 13 पॉइंट का रूस्टर सिस्टम है जो अभी यूज किया जा रहा है तो उसको हटाकर 200 सिस्टम का यहाँ पे लेकर आया जा रहा है, जिसके संदर्भ में यहाँ पे इवन कॉलेज को यूनिट माना जा सकता है ऐसा बात किया जा रहा है इस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस में। अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि यहाँ पे जो रिजर्वेशन के जो परसेंटेज है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो प्रोसीजर है उसको चेंज करने की बात कर रहे हैं। इसमें एक और चीज आपको ये समझनी है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है वो जो है प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा, ये सिर्फ देखेगा कि लीगैलिटी क्या है, कि मतलब यहाँ पे परसेंटेज सेम फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जो पूरा जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा पार्लियामेंट के हाथ में कि कौन सा प्रोसेस उसे फॉलो करने की जरूरत है। तो ऑर्डिनेंस बेसिकली 200 पॉइंट रूल सिस्टम की बात करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा सके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे बताइए कि जो फाउंडेशन स्टोन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन सेंटर कौन सी सिटी में यहाँ पे लगाया गया है, तो इसे लगाया गया है सीहोर जो कि मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है एक्सप्लेन यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनजीटी जो है इसने 500 करोड़ की पेनाल्टी लगा दी गई है वोक्सवैगन पे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो है चीट डिवाइसेस का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो डीजल इंजन की जो यहाँ पे यहाँ से जो पोल्यूशन निकलता है तो उसको यहाँ पे हटाने की बात कर रहे थे, कि मतलब यहाँ पे जो नॉक्स जो यहाँ पे एक डेंजरस गैस होती है तो उसका जो रिलीज काफी ज्यादा मात्रा में आता है, लेकिन इस चीट डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए इसे कम मात्रा में दिखाया गया था, तो इसी वजह से जो है एनजीटी ने यहाँ पे उन पर पेनाल्टी लगा दी गई है। और यहाँ पे वैगन ने भले ही बोला कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाने वाले हैं और इन्होंने ये पेनाल्टी नहीं मानी इस वक्त। अब यहाँ पे एनजीटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं कि ये जो है पर्टिकुलर एक्ट से बना हुआ 2010 के एक्ट से जो पार्लियामेंट ने पास किया था, और उसी के साथ साथ अगर बात करेंगे इसका जो पूरा काम ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी एनवायरमेंटल रिलेटेड कोई इश्यू होता है तो उसको यहाँ पे तुरंत यहाँ पे जो है डिस्पोज करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एनजीटी के पास होता है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2018 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट विच सिटी बिकेम द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन दिस रिपोर्ट, तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन है, गाजियाबाद है, गुरुग्राम है, फजलबाद ऑफ पाकिस्तान या फिर फरीदाबाद। तो टॉप तो बेसिकली किया है गुरुग्राम ने, और अगर आप उसकी रैंकिंग देखेंगे तो सबसे पहले आपको गुरुग्राम मिल रहा है, फिर गाजियाबाद नजर आ रहा है, फिर पाकिस्तान का फजलबाद नजर आ रहा है, लेकिन आप एक चीज इंपॉर्टेंट देखेंगे कि आउट ऑफ द टॉप 10 आपको ज्यादातर जो सिटीज है वो आपको इंडिया में नजर आ रही है, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक बात है।
अब चलते हैं पेज 19 पे। पेज 19 में इंडियन एयरफोर्स ने यह बोला है कि इंडियन एयरफोर्स जो है काफी ज्यादा प्रिपेयर्ड है किसी भी एडवर्सिटी के लिए, या फिर चाइना का हो सकता है, पाकिस्तान को हो सकता है। तो इंडियन एयरफोर्स कंप्लीटली रेडी है किसी भी एडवर्सिटी के लिए अक्रॉस एनी ऑफ द बॉर्डर्स। और उसी के साथ आर्मी में कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी यहाँ पे ऑफिसर्स हैं जो यहाँ पे कॉम्बैट रेडी है, जिनको यहाँ पे हमने यहाँ पे ऑफिस में काम करने में लगाया हुआ है, तो उन्हें फॉरवर्ड यूनिट्स में भेजने की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने अप्रूव किया क्रिएशन ऑफ अ न्यू पोस्ट जिसका नाम है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो उसमें जो है यहाँ पे तुरंत डिसीजन लेने के लिए यहाँ पे सबको बुलाने से अच्छा है कि एक पर्टिकुलर बॉडी को इतनी पावर दे दी जाए। तो इसी वजह से इस पर्टिकुलर पोस्ट की भी शुरुआत की गई है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो एक्सप्लेन पेज बताया जा रहा है जो फॉरेस्ट राइट के एक्ट के बारे में। तो रिसेंटली कंट्रोवर्सी इसलिए बन गई थी कि बहुत सारे जो यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे जो अपना एप्लीकेशन डाला था तो उनको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया था, इवन बोगस यहाँ पे रीजन देकर। अब यहाँ पे जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है इसके अंतर्गत दो चीजें हैं। एक पहला ये कि कुछ एक्टिविस्ट डिमांड कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ राइट्स की, कि ये जो लोग हैं इनके पास राइट्स है कि यहाँ पे फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला यहाँ पे ये है कि आप अगर यहाँ पे इसे अंधाधुंध करने देंगे तो ये तो ऑब्वियसली जो है पेड़ काटना भी शुरू कर देंगे, रिसोर्सेज का इसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ ग्रुप है और एक यहाँ पे ह्यूमन राइट ग्रुप है। एक बोल रहे हैं कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कीजिए और एक बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो ह्यूमन रह रहे हैं तो उनके राइट से कि ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको एक और चीज ये समझनी है कि जिस बेसिस में यहाँ पे रिजेक्ट किए गए एप्लीकेशन को, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बातचीत करने की जरूरत है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे कि एक यहाँ पे मिथ ये है कि वाइल्ड लाइफ जितने भी एक्टिविस्ट उनको ये लगता है कि अगर यहाँ पे FRA के अंतर्गत इन लोगों को यहाँ पे मौका दिया जाता है कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस का इस्तेमाल करे तो ये लोग जो है एक्सप्लॉइट करेंगे ही। ये बेसिकली एक मिथ है, क्योंकि अगर आप बात करेंगे अगर इनको हम यहाँ पे राइट दे देते हैं तो ये बेसिकली अगर मान लीजिए कोई भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आता है, यहाँ पे अगर लैंड एक्विजिशन की बात करते हैं, तो ये कुछ लोग हैं जो यहाँ पे कंजर्वेशन के लिए काफी अच्छा काम कर सकते हैं। वही सारी चीजों के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। इस पर्टिकुलर एक्ट के बहुत सारे अलग अलग नाम है, जैसे कि द शेड्यूल ट्राइब एंड द अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, या फिर जो ट्राइबल राइट एक्ट है, तो इनके अलग अलग नाम से इसी पर्टिकुलर एक्ट को बोला जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे बताइए वो कौन सा एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो कंडक्ट किया गया था यूएस के द्वारा विद इन यूएस। तो इस पर्टिकुलर जो एक्सरसाइज का नाम है रेड फ्लैग 2019। तो ये जो है 12 डे लॉन्ग यहाँ पे एडवांस एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी जिसमें बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि UAE है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, सिंगापुर है और सऊदी अरेबिया है। बात करते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन पेज पे, यहाँ पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में बात की जा रही है। तो इसके संदर्भ में यहाँ पे होता यह कि कोई भी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन जो है उसे कोई लीक नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे हुआ ये था कि दो रीसेंट पब्लिकेशन ने या फिर रफेल डील से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स थे यहाँ पे रिलीज कर दी थी, और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये बोल रही है कि इसे बेसिकली गवर्नमेंट से यहाँ पे स्टील किया गया है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको ये समझनी है कि यहाँ पे इसके दो सेक्शंस है। एक सेक्शन पे ये होता है कि आप यहाँ पे जो है गद्दारी कर रहे हैं अपने देश के साथ, या फिर आप डिस्क्लोज कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे सेक्शन 3 और सेक्शन 5 में ये दो चीजें लिखी गई हैं यहाँ पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंतर्गत। अब यहाँ पे एक और डिबेट ये होती है कि कौन ज्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट है, RTI या फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लीगलाइजेशन की बात करेंगे तो RTI ज्यादा पावरफुल है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आप रिलीज करवा सकते हैं RTI का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन RTI में ही एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो यहाँ पे सेक्शन 8 और 9 है जो यहाँ पे पावर देता है गवर्नमेंट को कि ये डिनाई कर सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो इस वजह से जो है RTI थोड़ा सा यहाँ पे कमजोर बन जाता है इस पर्टिकुलर सेक्शन की वजह से। अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे एफर्ट्स ऑलरेडी किए जा चुके हैं कि जो यहाँ पे जो ऑफेंसेस अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के है तो उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ मेजर यहाँ पे जो इंसिडेंट्स हुए थे, तो एक था यहाँ पे 1985 का कुसुमा नारायण स्पाई केस। उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा फेमस जो यहाँ पे केस है वो है नंबी नारायणन, उनको यहाँ पे एक्विटल दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पे माना जा रहा था कि इसरो के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो एक्चुअली लीक आउट कर दिए गए थे इस पर्टिकुलर इंसान के द्वारा, लेकिन बाद में हमें पता चल गया था कि इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट केस है जो आप कभी भी साइड कर सकते हैं, वो है माधुरी गुप्ता का। तो ये जो है बेसिकली इंडियन हाई कमीशन जो पाकिस्तान में लोकेटेड है वहां पे काम करती थी, लेकिन इन्होंने बहुत सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे जो है टेररिस्ट ग्रुप को देना शुरू कर दिया। इसी वजह से जो है इनके खिलाफ भी बहुत सारे केसेस चलने शुरू हो गए। अब बात करते हैं यहाँ पे वर्ल्ड न्यूज की। यहाँ पे पता चल रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिखाई है यहाँ पे न्यूक्लियर साइट्स के आसपास, क्योंकि आप जानते हैं रिसेंटली जो हनोई में यहाँ पे समिट हुई थी वो ज्यादा कुछ सक्सेसफुल हुई नहीं थी, यहाँ पे कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं मिला था। और यहाँ पे जो पैसिफिकेशन की बात की जाए थी डीन्यूक्लियराइजेशन की, तो उस पर भी कुछ यहाँ पे हमें प्रोग्रेस नहीं नजर आई। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे न्यूज ये आई है कि सैटेलाइट से हमें पता चला यहाँ पे कोई एक्टिविटी नजर आई है यहाँ पे न्यूक्लियेशन के साइट पे। अगला यहाँ पे काजा कलास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये जो है पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री की, एस्टोनिया, यूक्रेन, स्पेन या इराक। तो ये बेसिकली पहली पीएम है एस्टोनिया की। एस्टोनिया की आप लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे बाल्टिक सी के आसपास नजर आएगी। इसकी कैपिटल बेसिकली है तालीन।
अब यहाँ पे वर्ल्ड न्यूज में यहाँ पे पहले बात यह बताई जा रही है कि मुशर्रफ ने यहाँ पे क्लेम किया है कि उनके कार्यकाल में ही यहाँ पे जेईएम ने बहुत सारे जो है अटैक कैरी आउट किए हैं इंडिया के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे इतने प्रूफ हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है कि जेईएम जो है यहाँ पे आतंक मचा रहा है हमारी कंट्री के अंदर। उसके बाद यहाँ पे जो मार्क जुगब है उन्होंने बताया कि आप उनका जो पूरा फोकस होगा वो होगा यूजर की प्राइवेसी पे, तो उसी के बारे में आर्टिकल आया हुआ है। अब बात करते हैं आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि बताइए इंडिया ने कोलैबोरेट करने की बात की है मलेशिया और तीन अदर कंट्रीज के साथ, जिसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जो पॉपुलेशन है यहाँ पे एशियन राइनोस की स्पीशीज को, तो उसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सी कंट्री है जिसके साथ ये कोलैबोरेशन नहीं है? यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके, भूटान, इंडोनेशिया, नेपाल और श्रीलंका। तो यहाँ पे श्रीलंका जो है इनके साथ ये कोलैबोरेशन हमने नहीं की है। बेसिकली चार कंट्रीज है जिनके साथ यहाँ पे जो कोलैबोरेशन किया है, एक है भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, ताकि हमारी कंट्री में जो यहाँ पे राइनोस है बेसिकली एशियन राइनोस, तो उसको यहाँ पे हम बूस्ट दे सके। इसके अंदर हम यहाँ पे सुमात्रन राइनोस को भी और जावन राइनोस को भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। अगले यहाँ पे बात करेंगे इकोनॉमी पेज पे, तो गवर्नमेंट जो है इन्होंने यहाँ पे नोटिफाई किया कि यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे जो है सहमति दी गई है। इससे इसमें कुछ यहाँ पे जो स्ट्रेस प्रोजेक्ट थे उनको यहाँ पे सहमति नहीं दी गई है, ऐसा ही बताया जा रहा है। अगला यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे जो कैंसर ड्रग्स है उनकी जो प्राइस ड्रॉप्स हमें नजर आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे यहाँ पे जो यहाँ पे मेडिसिन है उस पर यहाँ पे प्राइस ड्रॉप नहीं नजर आएंगे, ऐसे यहाँ पे बताया गया इवन एनपीपीए के कैप के बाद। एनपीपीए काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ये वर्क करता है बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल से, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि यहाँ पे कंट्रोल करता है प्राइस ऑफ ऑल द फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के। तो इसे यहाँ पे फाउंड किया गया था 1997 में। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए कि हेडक्वार्टर कहाँ आपको नजर आएगा ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।